हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज प्रियांशी। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो होने वाली है, मेरे लुक को देख के लग रहा होगा कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मेकअप लुक। इट्स अ वेरी सटल मिनिमम प्रोडक्ट्स लुक। तो ये मैंने क्रिएट किया है कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स से, दैट्स इट। सो हाउ एम लुकिंग नाउ, कैसे लग रही हूँ मैं आज, जरूर बताना ये। और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चले कि मैंने गर्ल्स के लिए, स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर गर्ल्स और लेडीज़ भी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो बहुत सटल सा बेसिक, अगर आप मेरे को सामने से भी देखोगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर डू। तो मैं अभी ले रही हूँ बायोटिक नेक्टर का मॉइस्चराइज़र और इसको अच्छे से मसाज करूँगी ऑल ओवर माई फेस। जहाँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा ड्राइनेस लगती है वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर दूँगी। बाकी मैं पूरे ही फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अभी, और 2 मिनट दूँगी इसको कि थोड़ा सा ये लेट इट बी ड्राई। सेकंड में लेती हूँ कैमोफ्लेज क्रीम की पैलेट डर्मा। ये मॉइस्चराइज़र प्लस इसके अंदर आपका स्किन कंसीलर होता है, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग टू योर स्किन। और अपना जो शेड है वो वाइजली चूज़ करें, जिससे कि आपका जो बेस है वो सटल हो और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ना हो, बहुत ज़्यादा लो ना हो। अच्छे से मैं इसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इवनली अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम टेकिंग द स्विस ब्यूटी प्राइम सेट लूज पाउडर और उसको अच्छे से लगा रही हूँ। नेक्स्ट ग्रीन कलर की इन कलर पेंसिल ले रही हूँ अपनी आँखों पर लगाने के लिए, एक सटल सा लुक क्रिएट करने के लिए। आँखों पर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करेंगे हम, बिकॉज ये गर्लिश हम तैयार कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लफी ब्रश मैं अपना आई शेडो का सिर्फ और सिर्फ क्रीज तैयार कर रही हूँ। आप देख रहे हो ना, आउटर की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान है। और ये वेट एंड वाइल्ड की रोज़ इन एयर पैलेट है और बीच में मैंने लगाया है थोड़ा सा शिमर, जिससे कि एक उभरी हुई आँखें नज़र आए। सेम पैलेट में से यूज़ करके, डर्मा पैलेट में से, मैं अपने फेस को थोड़ा स्ट्रक्चर दे रही हूँ, जिससे कि फेस थोड़ा अपलिफ्ट लगे। सो वेन एवर यू आर डूइंग कॉन्टोरिंग और एनी थिंग ऑन योर फेस, जस्ट अपलिफ्ट योर फेस। ओके, अपलिफ्ट करना है आपके फेस को, जिससे कि फेस लंबा लगे और अच्छा लगे। यू नो, गोल फेस डजंट गो वेरी वेल। सो इसलिए अच्छे से ही इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आगे भी ड्रैग करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ फॉरहेड पे, लेकिन बारे पूरे फेस पे हम यूज़ करते हैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ही हम उसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। नेक्स्ट मैं सेम शेड लेके हाईलाइट कर रही हूँ अपने नोज़ को, एज यू कैन सी थ्रू दिस वीडियो। सो इससे क्या हो रहा है, अपने हाइलाइटिंग पॉइंट जो आपके हाई पॉइंट्स हैं ऑन योर फेस, उसको अच्छे से आप ब्लेंड करके, और उसको मैं लगा रही हूँ ढंग से। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द लिप शेड और यही मैं अपने चीक्स पे भी लगाऊंगी। और दूसरा शेड मैं ले रही हूँ ये टॉस्टेड ब्राउन फ्रॉम मेबलिन और मैंने अपने लिप्स पे लगा लिया है ये शेड। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यार मैंने सिर्फ यही प्रोडक्ट्स यूज़ किए, गिने चुने 2-3 प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ। और एक मस्कारा आप ऐड कर सकते हैं, वो वीडियो में नहीं आ पाया, बट आई हैव यूज्ड मस्कारा इन दिस वीडियो। सो गाइज, बाय, टेक केयर, मीट मी सून।